सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रद्युम गौरव एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम गौरव है। और यार अभी मैं गेस कहाँ वॉट मतलब गेस करो कि मैं कहाँ हो सकता हूँ। मैं यार उलियांस का स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ, ठीक है। यहाँ का मैंने हर चीज़ देखा। मैं बोलता हूँ ना, मैं घूमता हूँ तो थोड़ा यूनिवर्सिटी का भी देखता हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी हॉस्टल में आया हुआ हूँ, ठीक है। तो पहली बात, ये वीडियो और ये कॉलेज अगर मैं किसी को दिखा रहा हूँ तो वो उस पर्पस से दिखा रहा हूँ कि जिसको यहाँ पे जॉब करनी है, ठीक है। जिसको भाई लोन वोन का दिक्कत है या जिसको प्रॉब्लम है पैसे की, या जिसकी भी मतलब जिसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है पैसों की रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम, बट जिसको यहाँ कमाना है ना, वो उलियानोव्स की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आ सकता है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पे बच्चे 1 से 1.5 लाख कमाते हैं 2 महीने का, सोच सकते हो। यहाँ पे तुम यार मतलब बहुत जॉब की इतनी ज्यादा वो है ना कि वो यहाँ फॉरेनर्स को रख रहे हैं। लाइक मेरे औरंगबाग में नहीं करते बच्चे जॉब, पाम में मैंने बहुत रेयरली देखा था, एक दो कर रहे होंगे बट नहीं करते। बट यहाँ पे लोग बुलाते हैं तुम्हें, क्योंकि हर जगह ना ये लोग बोलते हैं नहीं भाई ये नहीं करना है तुम्हें, वो नहीं करना है तुम, ये हो वो हो, तो नहीं कर पाते। तो ये वीडियो है ही उस चीज के लिए कि भाई जिसको जॉब करना है वो ये वाला कॉलेज उसके लिए बेस्ट है। तुम भाई मंथली अर्न कर सकते हो 40 to 50 thousand यहाँ पे, और आराम से तुम्हारा गुजारा भी हो सकता है। तुम्हें कहीं पे भी मिल जाएगी जॉब। जॉब मैं पहले बता देता हूँ कहाँ कहाँ मिलेगी, ठीक है। जॉब पहले यहाँ पे गाउज एक कंपनी है, गाउज करके, ठीक है। वो मतलब एक कार कंपनी है जो कि यहाँ पे पुलिस की कार ये सब बनाती है। तो ये जो मैं जहाँ भी हूँ ना हॉस्टल में, इसके जस्ट पीछे वो कंपनी है भाई। समर्स में यहाँ पे बच्चे, मैंने पता खुद देखी ये चीज़, और मैं वहाँ पे तुम्हें बताऊंगा भी, समर्स में खुद बच्चे यहाँ पे जॉब करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब करते हैं, प्लस उनका एक बॉन्ड साइन होता है, 2 महीने अगर करोगे तो 1.5 लाख मिलेंगे, नहीं तो अगर पर डे के हिसाब से 1300 से 1500 रूबल्स तुम्हें मिलते हैं। बट 2 महीने में एडिशनल बोनस भी देते हैं। प्लस अगर मैं कल कल मैं गया था सबके साथ, मतलब जितने भी बच्चे थे यहाँ के फ्लैट एट में उनके, तो मेरे सामने की बात है यार, मतलब यहाँ के जो भैया हैं उनके सामने जॉब अप का आया था। तो उसमें जो होटल्स होते हैं ना, वो बुला रहे हैं भाई इंडियन बच्चों को कि आओ यहाँ पे कर सकते हो तुम, शासलिक बना सकते हो, मतलब कबाब वबाब, रेस्टोरेंट में काम कर सकते हो तुम। अगर तुम्हें अगर कॉकटेल अगर अच्छे से बनाते आती तो तुम कॉकटेल बना सकते हो, तुम खाना बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारी शिफ्ट होगी 8 घंटे की होती, जैसे यहाँ पे भी शिफ्ट है, तो छुट्टियों में तो चलो कर सकते हो, बट अगर कॉलेज आवर्स में कर रहे हो तो नाइट टाइम में तुम कर सकते हो। यहाँ पे 24 आवर्स कोई ऐसी वो नहीं है दिक्कत। तो सबसे पहले ये, तो सबसे पहले ये मैंने बता दिया। अब मैं सबसे पहले तो मैं हॉस्टल बता देता हूँ, ठीक है, नीचे से लेके ऊपर तक कौन सी जगह पे लोकेशन है, कहाँ कैसा है। कल या परसों मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगा तो यूनिवर्सिटी बता दूंगा, और इसके पैकेजेस भी पूरे बता दूंगा कि हाँ भाई कितने का पड़ता है। बट ये सस्ते भी पड़ता है कॉलेज, ठीक है। तो ये मान के चलो कि जिसको जॉब करनी है, ये प्लेस तुम्हारे लिए भाई भगवान से कम नहीं है। तुम ठाट भर का यहाँ जॉब करो, पढ़ो भी, कैनेडा जैसा फील आएगा भाई। जॉब भी कर रहे हो, बहुत सारी कार में भी बहुत जगह मिल जाती है यार। और कार की कंपनी में इन लोग को ज़्यादा कुछ काम नहीं कि लोहा लक्कड़ वाला कुछ, वैसा नहीं है नॉर्मल भाई। तुम्हें साफ सफाई का काम देंगे, और कुछ बंद करना है करना है, या लोहे के कुछ प्लायर इधर उधर रखना है, और बहुत सेफ जॉब है। मैं पता देख के भी आया था मैं, और यहाँ पे भी मैंने बच्चों से ही बात करी तो उनने ही मेरे को बताया कि भैया बहुत अच्छी है चीज़। तो चलो चलते, मैं हॉस्टल दिखा देता हूँ सबसे पहले तुम्हें यार। ये देखो उलियानोव्स्की ऑटोमोबाइल जावोद प्रिन्याल स्टूडेंती इज इन दी, इसका मतलब जो उलियानोव्स की जगह पे वहाँ ऑटोमोबाइल मतलब फैक्ट्री, जो यहाँ की बाइक और कार्स की फैक्ट्री होती हैं, जावोद मतलब फैक्ट्री होता है, इनको बुलाया गया स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया। तो ये रहे स्टूडेंट्स, और ये तुम ट्रांसलेट कर सकते हो पूरा, ये पूरा अखबार का वो कर रखा है, मतलब यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये पूरा तुम मेरा इसका स्क्रीनशॉट लेके ट्रांसलेट कर सकते हो। और ये कंपनी है, ये उवास करके कंपनी जो कार बनाती है, ठीक है। ये है और काफ़ी अच्छी, ये रही, ये देखो ये वाली कंपनी है, ये पैट्रियट ऐसी कार बनाती है, तो उस चीज़ की है। बाकी अभी मैं हॉस्टल दिखा देता तुम्हें। सो भाई मैं हूँ उलियानोव्स्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, ठीक है। ये वीडियो प्रमोटेड नहीं है पहली बात तो ये बिल्कुल ख़त्म कर देना। मैं घूमने आया था इसलिए भाई मेरे को पता चला, क्योंकि यहाँ के भैया फिर फ्रेंड बन, मेरे यहाँ पे है फ्रेंड, तो एक फ्रेंड ने फिर यहाँ का कांटेक्ट दिया था, फिर ऐसे ऐसे मेरी यहाँ पहचान हुई थी, तब मुझे पूरे हॉस्टल का पूरा पता चला कि हाँ भाई कैसा यहाँ जॉब कर सकते हैं। पहली बात वो मुझे पता चला, क्योंकि मेरे यहाँ पे नहीं कर सकते तो भाई मेरे को तो थोड़ा लगेगा ना, इसलिए तो मैं बता देता हूँ हॉस्टल का पूरा, ठीक। ये जो बिल्डिंग देख रहे हो इतनी बड़ी, ये भाई हॉस्टल है ये। अब तुम सोचोगे पूरा है तो पूरा नहीं है, इसका जो 10th फ्लोर है ऊपर के, 10th, 11th और 12th वो हैं, और उसके बाद अगर और बच्चे होंगे तो ले लिए जाएंगे ये भी। तो वो दिखा देता हूँ कि मेन ऐसा है पहले तो, ठीक है।
और बिल्कुल मेन सिटी में, यहाँ से सामने बिल्कुल ट्रैम जाती है, क्योंकि मैं भी कल ट्रैवल किया था तो मेरे को फिर पता चला पूरा। तो ये है, अब यहाँ से हम अंदर घुसेंगे, कार्ड होता है जिससे तुम अंदर जाते हो। तो ये है अंदर से, ये ऐसा कार्ड है मेरे को दिया गया था, पंच करो अंदर घुस जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने भी फ्लोर है ना सबके दिए हुए हैं। अब ये तुम्हें दिख रहा होगा, प्राइवेट इंडियन स्टूडेंट हॉस्टल 9th फ्लोर और 10th फ्लोर, ये दो हैं, बाकी तो फिर काम वाम करने के लिए वो सब है। ये लिफ्ट है, यहाँ से डायरेक्ट 11th फ्लोर चले जाएंगे वो हम। तो ये आ गए हैं और सामने हमको दिखेगा PSP प्राइवेट इंडियन हॉस्टल, इनका हॉस्टल है ये। और ये देखो, जय हो गणेश जी, ये पूरे डिप्लोम वगैरह वो सब हैं, ये यहाँ के बच्चे, ये मतलब यहाँ का कॉरिडोर है। ठीक है, ये पूरे दिख जाएंगे तुम्हें। तो यार काफ़ी मतलब अच्छा बना रखा है हॉस्टल को, तो मतलब हमारे यहाँ से ज़्यादा अच्छे हॉस्टल हैं ये तो दे है भाई। तो यार ये यहाँ का स्टडी रूम है, अलग से स्टडी रूम भी दिया हुआ है। और बाहर का व्यू देखो, पहले बाहर का दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये बाहर से ऐसा दिखता है। और ये है फैक्ट्री जो मैं बता रहा था ना, ये वाली है, ये पूरी फैक्ट्री बहुत बड़ी है भाई, ये बहुत, इसी में पूरा बच्चों को लगवाते हैं, काफ़ी बड़ी है ये। स्टडी रूम ओके, सो यहाँ शायद गर्ल्स साइड का है, ये मुझे नहीं पता, यहाँ ऑफिस वगैरह और कुछ नहीं है जनरली। अभी मैं 2-3 रूम बता दूंगा जिसमें मेरे भाई फ्रेंड लोग रहते हैं। तो यहाँ पे गाने वाने की आवाज आ रही है, यार यहाँ पे पूरे सीनियर्स लोग रहते हैं, मतलब 4th 5th 3rd ईयर वाले, ऊपर जूनियर्स रहते हैं, तो मैं उनका बता देता हूँ। ये है यहाँ पे ऑफिस रूम है, ये फिर से ऊपर साइड का एरिया, मैं एक्चुअली नीचे था, ये ऊपर साइड का। ये है किचन यार ऊपर साइड का, 2 प्लीथका दिए इनको, इनको प्लीथका बोलते हैं। ये देखो, ये इंडक्शन टाइप के होते हैं, ऑन करो बस गर्म होता है, और बस यही है किचन वगैरह। और पहले टॉयलेट और बाथरूम दिखा देता हूँ मैं। तो ये यहाँ के यार बाथरूम्स हैं, मस्त गर्म पानी ठंडा पानी सब आता है। एंड दिस इज़ मी, पीछे साइड का ये रहा। साफ सफाई बहुत है यार और करनी भी चाहिए, ये देखो फाइन भी लग जाएगा नहीं तो। ठीक है, और ये टॉयलेट है, लिखा हुआ है स्मोकिंग इन टॉयलेट इज नॉट अलाउड, 5000 फाइन है, तब भी बच्चों ने स्मोकिंग कर रखी है, मुझे नहीं पता क्यों। ऐसे हैं टॉयलेट यहाँ के। अब डायरेक्ट मैं रूम में चलता हूँ एक स्टूडेंट के, लाइक मेरा वो आखिरी वाला दिया था। ठीक है, ये लेडीज़ का है, यहाँ का स्मोकिंग रूम है, क्योंकि भाई हर जगह करती हैं लोग अंदर तरफ। तो भाई ऐसा कुछ रूम है। हेलो हेलो, कबड़ वबड़ सब मिलती है तुम लोग को? हाँ, सारे कबड़ अवेलेबल है यहाँ पे हॉस्टल के। एक बच्चे का एक कबड़? हाँ, ये यहाँ पे जनरली 2 स्टूडेंट्स रहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको कबड़ अवेलेबल है। एक टेबल, एक कवर्ड, और ये नहीं, 2 टेबल है। 2 टेबल है ना? हाँ, 2 स्टडी टेबल। और एक रूम में मतलब कितने हैं? जैसे उस रूम में 3 देखे मैंने। हमारा रूम जो है उस 2 शेयरिंग रूम है। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे हम लोग को सारा एमिनिटीज प्रोवाइड है, फर्नीचर वेल फर्निश्ड, नया फर्नीचर मिला है, चेयर्स मिला है, और ऐसे ही कंपार्टमेंट वाला है। और बाकी ऐसे नॉर्मल रूम जो होते हैं वो 3 शेयरिंग 4 शेयरिंग होते हैं, मेरे दोस्त लोग का वो वाले 3 शेयरिंग। तो काफ़ी सही भाई, थोड़ा स्टडीज़ का बता दो मेरे को, जेन्यून जेन्यून रिव्यू देना।
स्टडी तो इस यूनिवर्सिटी में स्ट्रिक्ट है, ओके पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्ट है और अगर फेल होते हो तो डायरेक्ट इंडिया के लिए वीजा कटता है, फिर आपको रिपीट करना पड़ेगा। एनाटॉमी वगैरह पे ज्यादा फोकस करना रहता है, हिस्टोलॉजी एनाटॉमी माइक्रोबायोलॉजी न्यूरो एनाटॉमी, ये 4-5 सब्जेक्ट्स। क्योंकि मेरे को अभी तक ये था ना कि मेरे को हरदम गंदे रिव्यू मिले थे यहाँ के, बट यहाँ अभी मेरे को बहुत लोगों ने बोला। आपको एक क्लियर एग्जांपल दे सकते हैं, हम हमारा एक साल यूक्रेन में बर्बाद करके आए। अच्छा हाँ। एंड सेकेंडली वी चूज दिस यूनिवर्सिटी क्योंकि हमें लगा कि इस यूनिवर्सिटी प्रॉपर पढ़ाई होती है, इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट आ गए। हमारा क्योंकि एनएमसी के नए रूल की वजह से हम ट्रांसफर ले नहीं सकते थे, वाई वाई वाई। हमें फिर से स्टार्ट करना था तो फ्रेश एडमिशन, तो हमने and we were studying in Ukraine but we wasted 1 year here and after that we have taken transfer here and no, not transfer actually, fresh admission, fresh admission. And we are starting here and you know this university is very nice as compared to like other universities and like they are living, this university like mainly focus on how like studies only mm-hmm. and all the practicals are done like every day you know. तो सही है यार फिर। और ये रूम का सेकंड पार्ट, हेलो हेलो भाई, सब जमा दिया, मैंने बोला था जमाने का नहीं है। बट यार व्यू बहुत अच्छा है यहाँ से, एक चीज है बस, ये देखो तो। यार मैंने बच्चों से हर चीज पूछी वैसे तो, मेरे को तो सही लगा। तो यार अगर किसी को आना है तो आ सकता है। और यहाँ पे यार जो ड्यूरेशन है काम करने का, तो स्टूडेंट से मतलब यूनिवर्सिटी से परमिशन तो लेनी पड़ती है, प्लस यहाँ पे 5 आवर्स है अगर तुम ये ड्यूरिंग स्टडीज़ करते हो, मतलब जो कॉलेज टाइम है ना, कॉलेज टाइम के बाद अगर 5 आवर्स तक तुम कर सकते हो जॉब, उसके बाद फिर नहीं मिलता यहाँ पे, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बट अगर छुट्टियाँ चल रही तुम्हारी लाइक वेकेशंस, तब तो यहाँ पे तुम दिन भर करो जितना तुम्हें करना है, ओवर टाइम करो भाई, कमाते हैं खूब यहाँ बच्चे, तो उस चीज़ के लिए सही है। तो ये उल्यानोव्स्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में था। कल मैं उनके यूनिवर्सिटी जाऊँगा तो मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी का थोड़ा कैंपस ये सब बता दूंगा और फीस वगैरह बता दूंगा। सो बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो लाइक ये रूम रहता है। अब जैसे किसी किसी स्टूडेंट को फ्रिज भी मिलते हैं या वो लोग रख लेते हैं, ठीक है? लाइक मेरा रूम नहीं है ये, बट मेरे को भी दिया गया ये, ठीक है? ऐसे कबर्ड होंगे भाई तुम्हारे, एक एक बच्चे के एक एक कबर्ड होते हैं यहाँ, सब तुम अपने सामान अमान रख सकते हो यार, ठीक है? काफ़ी अच्छे कबर्ड हैं यार। और ये तो पूरा मतलब भैया का ही रूम है तो मैं उन्हीं का दिखा रहा हूँ। एंड ये सोने का, ये रहने का, ये पूरी चीज़ें। और यहाँ से फिर तुम पर्दा खोलोगे तो यार व्यू तो यार बहुत प्यारा है यहाँ का, पूरा बाहर से दिख जाता है ये तो। सबसे प्यारा मेरे को यही चीज़ लगी यार, व्यू यहाँ की, ट्रैम जा रही है सामने, यही सब चीज़ें, तो ये मेरे को सबसे ज़्यादा भाग है यहाँ रहने के लिए। तो अच्छी लोकेशन पे, एंड यू कैन गो फॉर दिस हॉस्टल एंड कम टू दिस यूनिवर्सिटी फॉर स्टडिंग योर मेडिकल करियर एंड मेडिसिन। सो रेस्ट में डिटेल्स तो मैं अगली वीडियो में दे दूँगा।